इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी असाइनमेंट मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए कैसे सबमिट करनी है। असल मसला सबमिट करने का जो प्रोसेस है वो नहीं है, सिंपल जो चीज़ है वो ये होती है कि आप मोबाइल फ़ोन में जो असाइनमेंट बनाते हैं उसको सही जगह पे आप सेव कर लें ताकि आप उसको सही तरीके से ढूंढ सकें। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही स्क्रीन के ऊपर PSY101 असाइनमेंट है, अगर हम इसको सबमिट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, असाइनमेंट के बटन को क्लिक करेंगे जहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है सुरख रंग में, जो नई विंडो ओपन होगी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, मैंने कोई फाइल अपलोडिंग पे लगाई हुई है इस वजह से स्पीड यहाँ पे कम आ रही है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे ये इस तरह का इंटरफेस जो ओपन हुआ है, हमने सिंपल सिंपल यहाँ पे आपको एक एरो कीज नज़र आ रहा है, इस एरो कीज ने ही हमारे जो फाइल अपलोड करनी है उस की तरफ लेके जाना है। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एरो कीज को, एरो कीज क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ और आपको नज़र आएगा, ये यहाँ पे हमने सिर्फ फाइल चूज़ करनी है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे कि आपने ब्राउज़ करना है, ये ब्राउज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ब्राउज़ के बाद फिर आपको अगर अलाउ नहीं किया हो आपने तो अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी, तो मैं आपको यहाँ से वापस लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि फ़ाइल आपने असल में सही लोकेशन के ऊपर, यहाँ अगर आप इस फाइल को जैसे फर्स्ट के ऊपर मोबाइल असाइनमेंट है तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे मैं क्लिक करता हूँ वापस आ जाए, यहाँ पे देखें वही मोबाइल असाइनमेंट डॉक्स फाइल है, ये वापस आ गई है। हम यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इसको बैक कर देते हैं, फ़िलहाल वापस इस जगह पे आ गए। अब दूसरी तरफ करना क्या है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर एम एस वर्ड इंस्टॉल कर लेना है। एम एस वर्ड कोशिश करें कि जिस तरह का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वही इंस्टॉल करें, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया हुआ इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस आपने पहले से किया हुआ होगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ फ़ाइल सबमिट करने का और सेव करने का तरीका बताता हूँ, अगर आप सही लोकेशन पे फ़ाइल सेव कर लें तो फिर आपको कोई इशू नहीं होता। मेरा अपना ऑफिस खोलता हूँ, ऑफिस खोलने के बाद एक फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल हमें बनानी है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स बना सकते हैं आप, तो यहाँ पे जो फ़ाइल हम बना रहे हैं वो है एम एस वर्ड की, ठीक है। ये वर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, आपने बना लेनी है, मैं यहाँ पे सिंपल एक बना के आपको फ़ाइल सबमिट सेव करके सिर्फ बताऊँगा। ये क्रिएट के ऊपर गए और नई फ़ाइल यहाँ हमने बनाई, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपने क्या करना है, उसमें ब्लैंक फ़ाइल बना रहे हैं, ये आपने फ़ाइल खुद लिख ली होगी वर्ड के ऊपर, मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि फ़ाइल आपने जो बनानी है उसको सेव कैसे करना है। ये फ़ाइल क्रिएट हो रही है, ये फ़ाइल खाली है, इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं दिस इज़ फॉर अपलोडिंग फ्रॉम मोबाइल, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया और इसको हमने कर दिया सेव। अब हम फाइल को ना नेम रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ, हम यहाँ पे इसको एडिट करके इस फाइल का कुछ नाम रखते हैं, हम इसको कर लेते हैं सेव एज़, ठीक है। आपने क्या करना है, सेव एज़ करना है और यहाँ पे जो मोबाइल के ऊपर कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, ये वन ड्राइव है, ऊपर ऊपर नीचे साइट है, ये हमारा एक डिपार्टमेंट की तरफ से मेल है, और हम क्या करेंगे, आपने चूज़ यहाँ करना है दिस डिवाइस कर लें, दिस डिवाइस का मतलब है कि ऑनलाइन जमा होने की बजाय, सेव होने की बजाय आपकी फ़ाइल यहाँ पे मोबाइल के अंदर ही सेव हो जाए ताकि आपको ढूंढनी आसान हो जाए। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आप इस फाइल का नाम रख देते हैं, ठीक है, फ़ाइल का नाम आपके लिए इंतहाई लाजमी होना चाहिए, हम इसको कर लेते हैं PSY101 फर्स्ट असाइनमेंट लोड बाय
मोबाइल, ठीक है। आपने, मैंने जैसे बताया था, आपने अपनी असाइनमेंट का नाम अपनी आईडी से रखना है। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, फाइल हो गई हम सेव। अब वापस जाते हैं एलएमएस की तरफ। तो ये हमारा कहाँ है एलएमएस, ये हमारा एलएमएस है। यहाँ से हम दोबारा वापस आ गए हैं, यहाँ से देखते हैं दोबारा फाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्लो इंटरनेट है, इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये असाइनमेंट PSY। अब सबमिट के लिए निकली, मैंने जैसे बताया था आपको कि आपने एरो की को क्लिक कर देना है। एरो कीज क्लिक करेंगे, ये लॉग आउट हो गया था। मैंने दोबारा लॉगिन किया इसको, और हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट PSY 101 की, जस्ट डेमो दे रहे हैं आपको। यहाँ पे असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है असाइनमेंट सबमिशन का, वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे आपको बताया है कि स्लो इंटरनेट है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एरो जो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एरो को क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जस्ट ये ब्राउज लिखा हुआ है, ब्राउज के ऊपर क्लिक कर देंगे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका मतलब होता है कि वो फाइल ढूंढें जहाँ पे रखी है, ताकि उसको हम सेलेक्ट करके। यहाँ पे देखें, ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं रिसेंट्स, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रिसेंट में हैं। अगर आप कहीं और भी चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर यहाँ पे देखें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। असल मकसद ढूंढने का होता है डॉक्यूमेंट्स में, मैं मुख्तलिफ जगह पर जा कर रहता हूँ। इमेज में तो नहीं होगा, हमने उसको डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है। रिसेंट वो होता है कि अगर आप उसको जो रिसेंटली आपने फाइल्स बनाई हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, उसमें सारी फाइलें ही हो सकती हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स में जाना है, जैसे कि आपको बताया था कि हमने सही लोकेशन के ऊपर फाइल को सबमिट सेव कर लिया, तो फिर आसान है डॉक्यूमेंट्स में। और यहाँ पे देखें मतलब फोल्डर्स बने हुए, हमने जाना है डॉक्यूमेंट्स में। और यहाँ पे आपको याद है कि हमने PSY फर्स्ट असाइनमेंट लिखा था, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक होगी ये फाइल यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे वो फाइल आ गई है, जैसे नाम यहाँ पे शो हो रहा है। ये मोबाइल व्यू है, इस वजह से इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन आप इसको अगर यहाँ से चेंज करना चाहें, वो यहाँ पे जैसे 3 डॉट है, तो यहाँ पे अगर इसको डेस्कटॉप साइड कर दें तो आपको पूरी स्क्रीन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। मैंने इसको डेस्कटॉप साइड कर दिया है, देखें ये भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद सिंपल क्या करना है आपने, ये दोबारा से आ गया, फिर एक दफ़ा करके देख लेते हैं। एरो कीज़ के ऊपर, एरो कीज़ जैसे ही होगी, फिर हमने क्या करना है, ये डेस्कटॉप वर्जन है, आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऊपर इस तरह नज़र आती है। ब्राउज के बाद वो सिस्टम आपका बताएगा कि आप फाइल ढूंढें जहाँ पे भी है आपकी। तो हमने उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा हुआ था, ये फाइल को क्लिक किया, देखें इसके अंदर वही फाइल आ रही PSY 101 फर्स्ट असाइनमेंट लोड बाय मोबाइल, ठीक है। जस्ट आपने अपलोड कर देनी है, ये फ़ाइल आपकी सबमिट हो जाएगी। क्योंकि ये जस्ट डेमो था, मैं फ़ाइल को अपलोड नहीं कर रहा, जस्ट आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। फाइल सही जगह पे सेव कर लें तो सबसे आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ऑफिस में जाके आपने फाइल बनानी है, वर्ड के अंदर हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ये फाइल बन गई, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिख लें, BU खानपुर यूट्यूब चैनल, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको आपके सामने लिखा है, ये जूम भी हो गया। इस फाइल को हमने, ये ओके का बटन है, इसके बाद इसको हम रीनेम कर लेते हैं, बल्कि सेव एज कर देते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है सेव नहीं करना, आप इसको सेव एज कीजिएगा, ताकि आपको ना लोकेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने पहले बताई थी ना, दिस डिवाइस मतलब ये मोबाइल और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर है वहाँ पे चली जाए। पिक्चर या फ़ोटोज़ में ना भेजें, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। इस फाइल का असल नाम इस तरह रखें कि आपको ढूंढना आसान हो जाए, जैसे VU
मैं इसका नाम रख देता हूँ वीयू खानपुर यूट्यूब चैनल, ठीक है जी। सेव कर दिया, फाइल हो गई सेव। अब अगर मैं इस टैब को बंद भी कर दूँ तो क्या होगा, ये भी बंद कर दिया मैंने, और उसके बाद असाइनमेंट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल एरो की इसको प्रेस किया। अब इस फाइल को इसके ऊपर जो लिखना है बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरह लिखते हैं, सही बनाते हैं। मैं आपको जस्ट अपलोडिंग का तरीका बता रहा हूँ। ये फिर वही ब्रोज, और देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट में ही डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मिल रही है। अगर हम ढूंढना चाहें तो फिर भी ढूंढ सकते हैं। डॉक्यूमेंट डाउनलोड में नहीं होगी, हमें पता है कि हमने उसको डॉक्यूमेंट्स में रखा, इमेज में नहीं होगा, ठीक है। ऑडियो में नहीं होगा, क्या होगा हमारा ही फाइल होगी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसके अंदर पड़ी है, और ये वीडियो खानपुर के अंदर। यहाँ देखें, जैसे ही हमने उसको क्लिक किया ये फाइल यहाँ पे आ गई। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ तक काफ़ी है। लास्ट में वही बात कि आपने करना क्या है, हमारे जो वीडियो चैनल है खानपुर का, उसको आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगी, आसानी के साथ उनसे फ़ायदा उठाएं और अपनी स्टडी को आसान बनाएं। ये वीयू खानपुर का लोगो है, ये आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके पास होता है, तो उसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह।